हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं लेकर के आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गई हूँ। जैसा कि 8 से 9 हज़ार क्वेश्चंस का डेली बेसिस मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस कराती रहूँगी, और जो भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं सबको भी पूरा करूँगी। आज के सेशन में 75 MCQ क्वेश्चंस हैं। पूरा वीडियो अपना धैर्य बना करके देखिएगा दोस्तों, अपना रैंक चेक कीजिए। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन, एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप चैनल में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को कहते हैं। तो ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र स्थान लेता है। तो क्रेब्स चक्र जो है कहाँ पे बनता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। दोस्तों, जब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन लेकर के कोशिकाओं के पास जाता है और कोशिका द्रव में पहुंचता है, कोशिका द्रव में एनएरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा 2 ATP यानी 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है, और वो 2 पाइरुविक अम्ल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा पूर्व जारण होता है और वहाँ पे 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार ग्लूकोज वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज ऊर्जा यानी ATP में निर्माण होता है, और जहाँ जहाँ हमारे शरीर में ATP यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ भेजता है। तो क्रेब्स चक्र का निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ स्थान लेता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा गया है, सेल ऑफ पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह। तो ऊर्जा कौन बनाता है बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, पीरियोडाइजेशन की प्रक्रिया में कुल अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि पीरियोडाइजेशन में 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रिपेटरी पीरियड, कंप्रेशन पीरियड, रिकवरी पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रियाशोध एक्शन रिसर्च के उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य है दोस्तों, तत्काल समस्या का हल करना। एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है तत्काल समस्या का हल करना। नेक्स्ट है, गैर यादृच्छिक नॉन वॉल्यूंटरी नमूने का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है केवल अंश, इसका उदाहरण है अंश नमूना। क्या उदाहरण है, अंश नमूना, गैर यादृच्छिक नॉन वॉल्यूंटरी सैंपल का उदाहरण है अंश नमूना। नेक्स्ट है, शून्य परिकल्पना जीरो हाइपोथेसिस कहलाती है। तो दोस्तों, शून्य परिकल्पना जो है यह 2 नमूने के मध्य कोई अंतर नहीं होना, यही दर्शाता है शून्य परिकल्पना। नेक्स्ट है, हवा में शरीर का अपने तत्कालिक अक्ष एक्सिस यानी एक्सिस के चारों ओर घूमना कहलाता है। तो दोस्तों, यह कहलाता है घुमाव। क्या कहलाता है, घुमाव, उसको अक्ष यानी प्लेन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, हवा में शरीर के घुमाव की दिशा आधारित है किस सिद्धांत पर। तो हवा में शरीर के घुमाव की दिशा जो है कोणीय गति एंगुलर स्पीड का रूपांतरण के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, शब्द इन स्टेप किस खेल से ताल्लुक रखता है। तो इन स्टेप जो है बेसबॉल से रिलेटेड है, इन स्टेप किक हो जाता तो फुटबॉल से होता। नेक्स्ट है, क्रुस्कल वालिस टेस्ट उपयुक्त है।
क्रूसकल वालिस टेस्ट उपयुक्त है? तो यह नॉन पैरामेट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट है, किसी गुणात्मक स्वभाव के डेटा में हम किस प्रकार सहसंबंध स्थापित करेंगे? तो यहाँ भी होगा रैंक सहसंबंध द्वारा। किसी गुणात्मक स्वभाव के डेटा में हम किस प्रकार सहसंबंध स्थापित करेंगे? तो रैंक सहसंबंध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है। तो दोस्तों, नेफ्रॉन जो है यह गुर्दे यानी कि किडनी की मूत्र नलिका होती है, जिसे नेफ्रॉन बोला जाता है। यह किडनी की सूक्ष्म संरचना यानी कि सूक्ष्म इकाई होती है। नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में ही रक्त का फिल्ट्रेशन यानी कि शुद्धिकरण होता है। रक्त कहाँ पर छनता है? तो किडनी में, किडनी के नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस भाग में छनता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का यानी क्लोट जमाने के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है? आप सबको पता है विटामिन के। अगर रक्त में पूछेगा तो कौन सा है, तो वह है थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, एंड प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, जिसका निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, ये दोनों भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। जैसा कि जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है वो तरल अवस्था में बना रहे, जमे न, उसको कौन करता है? इसका कार्य करता है हिपेरिन, जिसका निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। लीवर में हिपेरिन का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देता, तरल अवस्था में बनाए रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रायड जन्मदाता हैं। तो दोस्तों, फ्रायड जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है, अनुसंधान में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन दर्शाता है। तो यह दर्शाता है अनुसंधान समस्या के लिए सीमा निर्धारित करना। अनुसंधान समस्या के लिए सीमा निर्धारित करना क्या है? अनुसंधान में परिसीमन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक कंप्रेहेंसिव सीमा बन सकता है? तो वह होता है हाथ। कौन होता है? हाथ। शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक यानी कि कंप्रेहेंसिव सीमा बन सकता है? तो वह है हाथ। नेक्स्ट है, मानव कंकाल की सबसे बड़ी संधि कौन है? तो सबसे लंबी अस्थि के तो आप जानते हैं फीमर है, ठीक है, जांघ की, और सबसे छोटी कान की स्टेपीज, एंड सबसे मजबूत है निचले जबड़े की मैंडिबल हड्डी। बट यहाँ भी पूछा है मानव कंकाल की सबसे बड़ी संधि कौन है? यह है घुटने की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलाना है एक सूची से दूसरे सूची से, तो आपको देखना है गोनियोमीटर। यह क्या करता है? दो अंगों के कोण की मापता है, ठीक है, जोड़ों पर कोण को मापता है, जोड़ों पर कोण को मापता है। तो यहाँ पे कौन राइट हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4, अक्ष की माप और गति की सीमा की माप करता है। मायोग्राफ क्या करता है दोस्तों? मायोग्राफ करता है मांसपेशी की संकुचन की माप करता है मायोग्राफ। एंड स्किन फोल्ड कैलिपर को आप जानते हैं, यह इसका थर्ड हो जाएगा, शरीर में वसा की माप करता है। एंड एंजियोग्राफ, एंजियोग्राफ जो है वह रक्तवाहिनियों, रक्तवाहिकाओं और शरीर के अंदरूनी अंगों की कल्पना की तकनीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
1/2 विभाजित विधि स्प्लिट मेथड उपयोग करते हैं। तो स्प्लिट मेथड दोस्तों रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता की जांचने के लिए किया जाता है। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि व्यक्तित्व तो वह है जो एक दी हुई स्थिति में एक व्यक्ति को क्या करना होगा, इसकी अनुमति प्रदान करे एवं भविष्यवाणी करे। तो दोस्तों इस बात को कहे हैं आरबी कैटल ने, क्या कहा है कि व्यक्तित्व तो वह है जो एक दी हुई स्थिति में एक व्यक्ति को क्या करना होगा, इसकी अनुमति प्रदान करे एवं भविष्यवाणी करे। नेक्स्ट है, यदि एक विशेष कौशल अधिग्रहण किसी दूसरे कौशल अधिग्रहण को सीखने में हस्तक्षेप करे तो इसे कहेंगे। तो दोस्तों इसका आप सही आंसर दे दिए होंगे, हस्तक्षेप यानी बाधा पहुंचा रहा है। जब पहले से सीखी हुई क्रिया किसी नए कार्य को सीखने में सहायता करे तो वो सकारात्मक स्थानांतरण है, पॉजिटिव है। जब पहले से सीखी हुई क्रिया नए कार्य को करने में बाधा उत्पन्न करे तो नकारात्मक स्थानांतरण है। और जब पहले से सीखी हुई क्रिया नए कार्य करने में न बाधा उत्पन्न करे और न सहायता करे तो वह शून्य स्थानांतरण होता है। तो इसमें क्या है, यह यदि एक विशेष कौशल अधिग्रहण किसी दूसरी कौशल को सीखने में हस्तक्षेप करे, बाधा करे, तो उसे हम कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिशेष ऊर्जा यानी कि सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत यानी अतिरिक्त शक्ति की धारणा किसने दिया है दोस्तों, तो हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने दिया है। नेक्स्ट है, गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया है, तो आप सब जानते हैं न्यूटन ने गति के 3 नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोडोन्सीटोमेट्री इस नाम से भी जानी जाती है। तो यह स्पेसिफिक ग्रेविटी विधि भी कहलाती है। हाइड्रोडोन्सीटोमेट्री स्पेसिफिक ग्रेविटी विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बॉड पॉड को यह भी कहते हैं। तो यह दोस्तों हवा विस्थापन विधि है, हवा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट विधि है, बॉड पॉड विधि। नेक्स्ट है, शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत को कहते हैं ऊर्जा की लागत। नेक्स्ट है, हैकिंग, रिंगिंग, नीडिंग इत्यादि प्रकार हैं। तो दोस्तों आप सब ने सही आंसर टिक कर दिया होगा, हैकिंग, रिंगिंग, नीडिंग ये सभी हैं मसाज के प्रकार। क्या है, मसाज के प्रकार। मसाज वाले वीडियो को आप पूरा डिटेल में देख लीजिए, उसके बाद आप मसाज के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। मैंने आप किताब भी पढ़ेंगे इतना सारा दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने उसको 10 मिनट के वीडियो में सभी मसाज को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है, सोना बाथ क्या है दोस्तों, यह एक हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा विधि है। तो सोना बाथ जो है वह स्वास्थ्य को बनाए रखने का अविशिष्ट माध्यम है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुम्बड़ यानी डम नामक चोट के उपचार की विधि क्या है। गुम्बड़ यानी अचानक से चोट लग जाता है, नीला पड़ जाता है खून जमने के कारण, वो होता है गुम्बड़। तो इसको चोट की उपचार विधि है क्रायोथेरेपी यानी कि बर्फ की चिकित्सा। नेक्स्ट है, गैर उत्पादक व्यक्ति से उत्पादक व्यक्ति बनना यह उद्देश्य है। तो दोस्तों यह होता है पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, यानी कि आपको चोट लग गया है, आप अब काम नहीं कर सकते, आप
खेल नहीं सकते या कोई कार्य नहीं कर सकते तो पुनः आपको पहले वाले अवस्था में लाना ही कहा जाता है पुनर्वास, यानी पुनर्वास, पुनः रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। तो पुनर्वास की प्रक्रिया रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में तीन चीज़ें होती हैं, किया जाता है एक करेक्टिव एक्सरसाइज, एक मनोवैज्ञानिक उत्साह दिया जाता है, एक शारीरिक चिकित्सा किया जाता है फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट है मानव तत्वों का संगठन एक बुनियादी सिद्धांत है। तो मानव तत्वों का संगठन एक बुनियादी सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? मानव तत्वों का संगठन एक बुनियादी सिद्धांत, संगठन और प्रशासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल यानी पित्तरस स्त्रावित होता है। बाइल यानी पित्तरस जो है यकृत यानी लीवर से स्त्रावित होता है। बाइल और पित्तरस का निर्माण जो है यकृत यानी लीवर में होता है और यह जमा कहाँ पे होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। और यह कार्य क्या करता है? यह वसा का पाचन करता है और वसा में घुलनशील विटामिनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है मनोरंजन सिद्धांत रिक्रिएशनल थ्योरी किसने दिया? तो मनोरंजन सिद्धांत को दिया था जी डब्ल्यू पैट्रिक ने, लॉर्ड केम्स और जी डब्ल्यू पैट्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है लैडर एवं पिरामिड प्रकार है। तो दोस्तों लैडर और पिरामिड जो है यह चुनौती यानी कि चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार हैं। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य को इनमें से कौन प्रभावित नहीं करता? तो गहरी नींद, आराम, संतुलित भोजन, प्रतिदिन व्यायाम, ये तीनों शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बट पढ़ना प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट है खेल समाज शास्त्र यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी संभालता है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी खेल समाज शास्त्र जो है टीम सामंजस्य को संभालता है, इसीलिए तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है कि समाज में ग्रुपों में कैसे रहा जाता है, कैसे संभाला जाता है। नेक्स्ट है शब्द कैनन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कैनन शब्द जो है वह बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है मानव शरीर में लीवर का बहुमत यानी लीवर यानी उत्तोलक की बात कर रहा है ये। तो कौन से प्रकार का लीवर जो है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो तृतीय प्रकार के लीवर में, जिसमें जो है जो फोर्स होता है वो बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। नेक्स्ट है किन्सियोलॉजी अध्ययन है। तो दोस्तों किन्सियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मानव गति का अध्ययन है किन्सियोलॉजी, इसीलिए इसको गति विज्ञान भी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों खेल माना जाता है। तो दोस्तों खेल एक निरुद्देश्य कार्य माना जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 41 में लेट शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से और टेबल टेनिस से भी, बट लॉन टेनिस यहाँ पे नहीं दिया है तो हो जाएगा टेबल टेनिस। तो ए का हो जाएगा टू, ए का हो जाएगा टू, ठीक है। एंड लिब्रो किससे संबंधित है? तो आप सबको पता है वॉलीबॉल से, तो बी का हो जाएगा थ्री। एंड पीवट शब्द है बास्केटबॉल से, सी का हो जाएगा फोर। एंड ऑफ साइड रिलेटेड है फुटबॉल से, तो डी का हो जाएगा वन। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घंटी के आकार के वक्र से पता चलता है कि सामान्य विवरण कारक है। सामान्य विवरण कारक है तो यह पता चलता है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट है, कारण वन सही है, यानी कि इसमें कारण वन कौन है कि नमूना समरूप है तथा असमानता से विपरीत है, ये एक घड़ी के आकार के वक्र से पता चलता है। नेक्स्ट दोस्तों बैरू नामक परीक्षण किससे संबंधित है? तो बैरू नामक परीक्षण जो है गामक कौशल यानी मोटर स्किल से रिलेटेड है। गामक कौशल यानी मोटर स्किल से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना गया है? तो दोस्तों यह तंत्रिका प्रणाली यानी कि नर्वस सिस्टम जो है
शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। नर्वस सिस्टम ही पूरे शरीर के एक एक अंग एक एक प्रक्रिया को संचालित करता है। नेक्स्ट है, बजट बनाने का प्रथम चरण क्या होता है? किसी भी चीज को करने का प्रथम चरण होता है प्लानिंग, यानी योजना बनाना। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करके समस्त शरीर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, एटीपी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, हम कार्य कर पाते हैं। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? प्राणवायु यानी ऑक्सीजन को खींचना तथा साथ लेकर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैरी एल जॉनसन तथा जैक के नेल्सन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है शारीरिक शिक्षा में मापन का प्रयोगात्मक अभिगमन। शारीरिक शिक्षा में मापन का प्रयोगात्मक अभिगमन को लिखा है बैरी एल जॉनसन तथा जैक के नेल्सन ने। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको मिलान करना है सूची वन से सूची टू में। तो वन है दोस्तों, एमेओसा कोसाई ये किसकी हड्डी है? तो यह दोस्तों हिप, बड़ी हिप की हड्डी, यानी हिप की बड़ी हड्डी है। तो ए का हो जाएगा टू, ए का हो जाएगा टू। एंड टार्सल बोन क्या है दोस्तों? टार्सल ये हमारे एंकल, एंकल की जोड़ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा थ्री, ठीक है। एडी की हड्डी, ठीक है, एंड बी का हो जाएगा थ्री। एंड मेटा टार्सल जो होगा वो किसका हो जाएगा? बी का, सी का हो जाएगा फोर, यानी इन स्टेप हड्डी। फेंजिल्स यानी कि जो उंगलियां होती है वो टो बोन भी कहा जाता है इसको, तो इसका हो जाएगा वन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर से आपको सूची वन से सूची टू में मिलान करना है। यहाँ पे दिया है फॉर्टलेक दौड़, यानी फॉर्टलेक प्रशिक्षण जो होता है वह यह सहनशीलता डेवलप करने के लिए होता है। सहनशीलता यानी दमखम, यहाँ पे राइट हो जाएगा ए का थ्री आपका राइट हो जाएगा। एंड खिंचाव व्यायाम यानी जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो सभी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे आपका बी का हो जाएगा फाइव, बी का फाइव। एंड तेज दौड़ जो है वो गति यानी स्पीड को मापता है, ये आपका हो जाएगा सी का वन। एंड उछल कूद व्यायाम यानी कि जो प्लाइमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड होती है वह विस्फोटक शक्ति को मापता है, डी का हो जाएगा फोर। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को टू के साथ मिलाना है वैदिक काल। वैदिक काल का क्या हो जाएगा दोस्तों? वैदिक काल 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। एंड इंडस वैली जो होता है ए का फोर हो जाएगा, ए का फोर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सही से देखना है दोस्तों, ए का फोर हो जाएगा। एंड आपका इंडस वैली यानी कि जो सिंधु सभ्यता काल है वह है सी का वन हो जाएगा, 3250 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। एंड बी है पूर्व हिंदू काल, इसका टू हो जाएगा 600 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी तक। एंड मध्यकाल जो है वह 1000 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क राइट होगा। यहाँ भी सही मिलान होगा। कोशिकाएं क्या है दोस्तों? यह जीवन के निर्माण खंड हैं। कोशिकाएं क्या है? जीवन के निर्माण खंड हैं। एंड लाल रक्त कोशिकाएं क्या है? ये एक विशिष्ट कोशिकाएं हैं। लाल रक्त कोशिकाएं क्या है? एक विशिष्ट कोशिकाएं हैं। एंड
कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों? एक ऊर्जा है, हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। एंड वसा क्या है? एक वसा के रूप में एडिपोज टिश्यू और के अंदर जमा हो जाता है अतिरिक्त ईंधन के रूप में। तो यहाँ पर राइट होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर वन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर राइट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ भी आपको मिलान करना है सूची वन से सूची टू के साथ। ताराचंद कमेटी दोस्तों 1948 में हुआ था, ए का थ्री हो जाएगा। एंड शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार समिति की स्थापना हुआ था 1950 में, तो बी का फोर हो जाएगा। ए का थ्री, बी का फोर। एंड भारतीय अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना 1954 में हुआ था, तो इसका हो जाएगा सी का टू। ठीक है, तो ए का थ्री, टू का फोर एंड सी का टू। ए का थ्री, टू का फोर, बी का फोर एंड सी का टू। एंड एडहॉक समिति 1958-59 में हुआ था, बट यहाँ पे 1947 दिया हुआ है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे आपको देखना है, मिलान करना है इसमें भी। यहाँ पे है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है? ग्रसनी यानी फेरिंग्स और फेफड़े, इसमें राइट हो जाएगा। पाचन तंत्र जो है आग्नाशय से रिलेटेड है यानी पैंक्रियाज। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो है यह तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है, नर्वस सेल से। एंड उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है अवशिष्ट का बाहर निकलना, यानी जितने भी खराब पदार्थ हैं, यूरिया, मूत्र, यूरिन जितने हैं, इन सबको बाहर निकालता है टॉक्सिक को। इस प्रकार कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची वन से सूची टू को मिलान करना है। यहाँ पे है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हो जाएगा आपका ए का टू हो जाएगा। ए का टू अणुओं के स्त्रावण तथा उत्सर्जन का काम करती है। एंड माइटोकांड्रिया बी का फोर हो जाएगा, बी का फोर हो जाएगा, बी का फाइव हो जाएगा। ऑक्सीजन, रक्त ऑक्सीजन को मांसपेशियों में लेकर चलता है। ठीक है, रक्त ऑक्सीजन को मांसपेशियों में लेकर चलता है। एंड लाइसोसोम जो है इसका फोर हो जाएगा, मृत कोशिकाओं का अपघटन करता है। रिक्तिका जो होता है वह क्या करता है? रिक्तिका जो होता है वह उत्सर्जक क्रियाएं करता है, उत्सर्जक क्रियाएं करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर गो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आप सूची वन को सूची टू से मिलान करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गो राइट हो जाएगा। यानी कि ए का थर्ड, यानी भी ओ का मतलब है प्रक्षेप्य वेग, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। ओ का मतलब है प्रक्षेप्य कोण यानी प्रोजेक्टाइल एंगल। वी एक्स का मतलब है समानांतर वेग, पैरल वेलोसिटी। एंड वी का मतलब है समान वेग यानी नॉर्मल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जोड़े बनाना है सूची वन को सूची टू के साथ। यहाँ पे दिया है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट जो है एक तरफ ही एक तल में गति करता है, जैसे दरवाज़ा एक तरफ ही घूम सकता है, उसी तरह हिंज ज्वाइंट में भी एक तरफ ही गति होती है। यहाँ पे हो जाएगा घुटना, क्या हो जाएगा? घुटना। हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत हमारा एल्बो एंड नी, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड उंगलियों का जोड़ आता है।
पिवट ज्वाइंट जो एक धुरी पर घूमता है, ये हो जाएगा आपका सिर की गति। एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो एक हड्डी दूसरे हड्डी पर सरकता है, तो ये हो जाएगा टार्सल और कार्पल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सैडल ज्वाइंट को हम परस्पर आदान प्रदान करने वाली गति भी करते हैं। इसमें कलाई दिया हुआ, लेकिन कलाई नहीं होगा, अंगूठा हमारा समस्त उंगलियों तक पहुंच जाता है, उसी को कहते हैं सैडल ज्वाइंट। इस प्रकार ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 57 में डिसलोकेशन, जैसे कि हमारे हिप का डिसलोकेशन हो जाता है, हमारे कंधे का डिसलोकेशन हो जाता है, तो ये संधि से रिलेटेड है। संधि पर हड्डियाँ एक दूसरे से खिसक करके अपने स्थान से हट जाती है, उसे डिसलोकेशन कहती है। तो ए का 4 हो जाएगा। एंड दोस्तों टेंडन क्या होता है? ये इसके अधिक खिंच जाने को, टेंडन मांसपेशी के अधिक खिंच जाने को स्ट्रेन यानी कि खिंचाव कहते हैं। स्ट्रेन यानी कि खिंचाव कहा जाता है। तो सी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा रेप्चर यानी कि खिंचाव। एंड लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट के अधिक खिंच जाने को हम कहते हैं मोच यानी कि स्प्रेन। तो यहाँ पे टीयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी का 3rd टीयर। एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही से नहीं दिख रहा है, तो बी का आपका हो जाएगा 1, बी का अस्थि। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका राइट है, यानी कि ए का 3 होगा व्यक्तिगत अध्ययन, पर्सनल स्टडी होगा डायग्नोस्टिक स्टडी के अंतर्गत आता है। एंड सर्वेक्षण जो है, सर्वे जो है, वह आता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंतर्गत। एंड एथलीट्स जो है वह आता है अधिक बातूनी चैटी के अंतर्गत। एंड गलत जो है टाइप 2 एरर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपको एक दूसरे जोड़े से मिलान करना है। तो बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? बड़ी हड्डी लंबी अस्थि लॉन्ग बोन है, यहाँ पे टिबिया। छोटी बीन यानी शॉर्ट बोन आपका कहलाएगी, तो ए का थर्ड हो जाएगा। छोटी हड्डी यानी शॉर्ट बोन हमारा कलाई कहलाएगा, यानी टार्सस और कार्पल बोन होता है, तो बी का 1 हो जाएगा। एंड चपटी हड्डियाँ यानी फ्लैट बोन हो जाएगा हमारा मस्तिष्क और कंधा, तो यहाँ पर कंधा हो जाएगा, तो सी का 2 हो जाएगा। एंड सीसामोइड बोन कंडरा यानी जोड़ों के आसपास वाली गति होती है, हड्डियाँ होती है, उसको कहते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पटेला, आपका हो जाएगा डी का 4। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें भी आपको एक सूची से दूसरी सूची में मिलान करना है। यानी कि ओ एम नाम्बियार आपका रिलेटेड है एथलेटिक्स से, किससे? एथलेटिक्स से। एंड शोभा मोरथ जो है संबंधित हैं बैडमिंटन से। मेलवन एरोन जो है शतरंज से रिलेटेड है। अंजलि एम देसाई जो है गोल्फ से रिलेटेड है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन यानी स्टेटमेंट्स बेस पे है। अभिकथन ए है आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु का कैपिलरी नली और कोशिका के आवरण के आर पार आदान प्रदान करता है, तो राइट है। एंड कारण आर है कि ऑक्सीजन मिश्रित रक्त हृदय के बाएं नीचे वाले से महाधमनी
एरोटा में जाता है, यहाँ तक तो सही है, और पूरे शरीर में संचार करके महाशिरा वेना कावा के द्वारा हृदय के दाई ऊपर वाले अलिंद आर्टियम में प्रवेश करता है। इस संचरण को पल्मोनरी संचरण कहते हैं। तो इस संचरण को पल्मोनरी संचरण नहीं कहते हैं, यहाँ तक तो ठीक था, ये लास्ट लाइन आपका अच्छा नहीं लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, ये सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। अभिकथन ये है कि खेल कूद में सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। सही बात है, खेल कूद सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, जन्म से ही विद्यमान होती है। एंड आर में है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस में ओलंपिया क्षेत्र में उनके देवता जीयस के समानार्थ किया जाता था। तो आप सबको पता है कि हाँ किया जाता था, तो यहाँ पे दोनों सही है, ए और आर, एंड आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर को राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ये है कि व्यवस्थापन में काम का आयोजन ऑर्गेनाइजेशन एंड नियोजन यानी प्लानिंग, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन सम्मिलित होता है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। आर है इसका कारण कि अच्छी शुरुआत आधा कार्य पूर्ति के बराबर होता है, तो ये भी सही है, बट उसका एक यह सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए और आर दोनों राइट है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है कि बैरोगामक क्षमता परीक्षण यानी मोटर फिटनेस टेस्ट में आते हैं। तो इसमें आता है अभिकथन ए ही चल रहा है, खड़ी लंबी कूद, जिग जैग दौड़, 6 पाउंड की मेडिसिन बॉल फेंक। तो ये आपका राइट है अभिकथन ए। तो आर यहाँ पे है बैरोगामक क्षमता परीक्षण में मूलभूत कौशल बेसिक स्किल्स को मापा जाता है। नहीं, बेसिक स्किल्स को नहीं मापा जाता है, इसे मोटर स्किल्स को मापा जाता है। ये आर आपका गलत है। इस प्रकार आपका हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि सर्किट ट्रेनिंग से सामान्य शारीरिक तथा गामक क्षमता का विकास होता है। तो ये बात सही है, सर्किट ट्रेनिंग से सामान्य गामक क्षमता का विकास होता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को मापता है। आर है कि इंटरवल प्रशिक्षण विधि गति में सुधारती है, नहीं दोस्तों, स्पीड एंड्योरेंस को सुधारती है। यहाँ पे आर गलत है। तो ए सत्य है परंतु आर गलत है, गो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है कि अभिकथन ए है लचीलेपन को गोनियोमीटर से मापा जाता है। एकदम राइट है, लचीलेपन को हम किससे मापते हैं, गोनियोमीटर से मापा जाता है। एन आर है लचीलेपन को बैठ एवं पहुंच से मापा जाता है, सीट और रीच टेस्ट जो होता है उससे मापा जाता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ग ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है कथन है कि प्रथम एशियन गेम्स दिल्ली में आयोजित हुए। ये बात तो सही है, 1951 नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम सैफ खेल ढाका में आयोजित हुए, नहीं काठमांडू में हुआ था शायद, आप सभी ढूंढ के बताइएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका सही है ग, कि ए सही है, एक सही है परंतु दूसरा क्या है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें पहला अभिकथन दिया हुआ है कि खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक तथा शैक्षिक सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया है, बात सही है, जिसके द्वारा खिलाड़ी मुख्य प्रतियोगिता के दौरान अपना उच्चतम प्रदर्शन करता है। एंड ये भी सही, ये सही है। दूसरा है प्रशिक्षण भार मानसिक एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान की मांग की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला गामक उत्प्रेरक है। एकदम राइट है, जो प्रशिक्षण भार दिया जाता है वो शारीरिक और शरीर क्रियात्मक विज्ञान दोनों की मांग की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, ए और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कि
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है कि आखिरी चार राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन आयोजक देशों को कोड का उपयोग करते हुए मिलाना है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा क, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में चार है, कुआलालंपुर मलेशिया, फिर मैनचेस्टर इंग्लैंड, फिर मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर दिल्ली भारत। तो राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली भारत में कब आयोजित हुआ था? तो 2010 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों हम बताएं आपको, आप सबको पता है कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है एंड 2026 का होगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, 2018 का गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 हेमिल्टन कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम चार एशियन खेलों के आयोजन देशों के कोड का उपयोग करते हुए सही क्रम लिखिए। तो प्रथम एशियन गेम तो आप सबको पता है कि भारत में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका पहले में थर्ड आएगा। तो ऐसे में ही आपको पहचान हो गया कि गौ राइट है। फिर आपका हुआ था फिलीपींस में, उसके बाद जापान में, उसके बाद इंडोनेशिया में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के रास्तों को पहले से बाद का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले ट्रेकिया यानी कि श्वास नली में जाता है, फिर एल्वोलाइज में जाकर के आदान प्रदान होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन चला जाता है, लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन ले लेता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बाहर निकाल देता है, और लाल रक्त कणिकाओं का हीमोग्लोबिन लेकर के ब्लड में यानी कोशिकाओं तक चला जाता है, ठीक। फिर ब्लड में लेकर के उसको हार्ट यानी हृदय में जाता है, हृदय से आर्टरी में, आर्टरी से फिर समस्त शरीर में जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को कालक्रम में रखते हुए सही उत्तर को चुने। तो दोस्तों आप सभी चुन सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम आपका 1930 हेमिल्टन कनाडा में शुरू हुआ था, एशियन गेम 1951 नई दिल्ली में, अर्जुन अवार्ड 1961 से, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में। तो कालक्रम से हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले 1930 कॉमनवेल्थ गेम आ जाएगा यानी वॉर, उसके बाद एशियन गेम 1951 आ जाएगा, उसके बाद 1961 अर्जुन अवार्ड, फिर उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, वार्षिक क्रम के अनुसार सही क्रम को चुनिए। तो यहाँ पे आपको सही क्रम को चुनना है। LAMCPE यानी ग्वालियर लक्ष्मीबाई आपका 1957 में बना, फिर दूसरा है NSNIS पटियाला 1961 में बना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा, यानी कि सबसे पहले NDS नेशनल डिसिप्लिन स्कीम 1954 में बना, उसके बाद पहला है आपका LNCP ग्वालियर बना, फिर दूसरा आपका NSNIS पटियाला बना, उसके बाद NFS बना, ठीक। इस प्रकार ख आपका राइट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति तालिका फ्रीक्वेंसी टेबल संरचना स्ट्रक्चर का सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों आवृत्ति तालिका ये सब निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं, क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ग ऑप्शन। तो सबसे पहले रेंज निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ग अंतराल की चौड़ाई निकालेंगे, उसके बाद प्रत्येक स्कोर्स के लिए टेली मार्क लगाएंगे, उसके बाद वर्ग अंतराल की संख्या को देखेंगे। नेक्स्ट है, डेकेथलॉन प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस के इवेंट को क्रम में लिखिए। तो दोस्तों डेकेथलॉन पुरुषों के लिए है, 10 इवेंट होते हैं, 4 ट्रैक 6 फील्ड इवेंट होता है, ये 10 इवेंट 2 दिनों में संपन्न होता है, 5-5 इवेंट दोनों दिन में होता है। तो इसके लिए मैं ट्रिक से आपको बताया है, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन, ट्राइथलॉन, ये दूसरे दिन के इवेंट को क्रम में सजाने के लिए बोला है।
तो दूसरे दिन के इवेंट को में पहले दिन पहला होता है 110 मीटर बाधा दौड़। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया था दूसरे दिन का कि 110 मीटर का हर्डल लेकर डिपोजे 1500 मीटर दौड़ा। तो 110 मीटर का हर्डल लेकर डिपोजे 1500 मीटर दौड़ा। तो 110 मीटर हर्डल रेस दूसरे दिन का पहला इवेंट हो गया, यानी कि पहला आपका शुरू में आएगा। उसके बाद डी पोजे, डी से डिस्कस थ्रो दूसरा हो जाएगा, फिर पो से पोल वॉल्ट तीसरा हो जाएगा, एंड जे से जेवलिन थ्रो चौथा हो जाएगा, एंड 1500 मीटर आपका पाँचवा हो जाएगा। इस प्रकार आपका गौर आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के सेशन में 75 MCQ क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और इसी तरह डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए।